दिल्ली एनसीआर के करीब 100 स्कूलों में बम रखा होने की धमकी मिली। धमकी मिलने के बाद स्कूलों ने पुलिस कंट्रोल रूम्स को सूचना दी। सूचना पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू कर दिया और सभी स्कूलों को खाली करा लिया गया और बच्चों को घर भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस को कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। वहीं इस मामले पर नई दिल्ली DCP देवेश कुमार महला ने कहा कि हमने सभी स्कूलों की जांच की है और कुछ नहीं मिला, घबराने की जरूरत नहीं है। वहीं ईस्ट दिल्ली DCP अपूर्वा गुप्ता ने कहा कि सूचना मिलने के बाद हमारी टीमें मौके पर पहुंची और छात्रों को उनके घर भेज दिया गया है। बम स्क्वाड की मदद से चेकिंग की जा रही है। हम अपील करते हैं, सभी से निवेदन है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं इस पूरे मामले पर दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस बहुत जल्दी पहुंच गई और पूरे इलाके को घेर लिया गया और तलाशी अभियान चल रहा है। डॉग स्क्वाड और बम निरोधक इकाइयां भी काम कर रही हैं। दिल्ली के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस पूरी तरह से तैयार है और हम किसी भी अप्रिय घटना को रोकने की कोशिश करेंगे। दिल्ली पुलिस ने पता लगा लिया है कि ये ईमेल कहां से आ रहे हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और कड़ी सजा दी जाएगी। अपने तौर पे प्रिकॉशनरी लेवल पे भी और सारी स्कूल चेक कर लिए, किसी में कुछ नहीं, तो कोई पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। प्रिकॉशनरी तौर पे भी सारी चेक कर लिए हैं और पोल के तौर पे भी चेक कर लिए। हमारे एरिया में जो भी पुलिस, जो भी स्कूल्स हैं वो भी और जो हमें इम्पोर्टेंट लगते हैं सारी हमने चेक कर। सर, अभी आज सुबह से कई स्कूलों में उनके इनबॉक्सेस में ईमेल रिसीव हुआ है जिसमें कि बॉम्ब का थ्रेट है। जैसे ही स्कूल अथॉरिटीज ने पुलिस को बताया तो इमिजिएटली हमारी टीम्स सक्रिय हो गई हैं। स्कूल्स को खाली कराया जा रहा है, बच्चों को सेफली उनके पेरेंट्स की कस्टडी में दिया जा रहा है और उसके बाद इन बिल्डिंग्स को एक एक करके हम सैनिटाइज कर रहे हैं बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स की मदद से। जैसे ही इसकी खबर स्कूलों में आई है, इमिजिएटली पुलिस को इन्फॉर्म किया गया है स्कूल अथॉरिटीज ने और दिल्ली पुलिस बहुत ही जल्दी वहां पर पहुंची और सारा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। एरिया सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं, यहां पर डॉग स्क्वाड्स भी हैं, बम डिस्पोजल यूनिट्स भी काम कर रही हैं। हर तरीके से हम मुस्तैद हैं। मुझे भी 7:30 बजे इसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी और इस वक्त मैंने पुलिस कमिश्नर साहब को ये कहा था कि आप पूरी फोर्स लगाकर इस पर ध्यान दें और कोई इंसिडेंट नहीं होनी चाहिए।